जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज आपके लेके आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म का सेकंड पार्ट पहले पार्ट में हमने बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस किया था वहां से हमारी कुछ कंसंट्रेशन टर्म रह गई थी आज हम लोग उन बची हुई कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करेंगे उनमें से हम लोग आज मॉडलिटी और नॉर्मलिटी को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों तो आइए जानते हैं मॉडलिटी और नॉर्मलिटी के बारे में मोडलिटी इसको स्मॉल एम्स से रिप्रेजेंट किया जाता है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इजोल्व इन वन के जी ऑफ सोलवेंट बच्चों मोलिटी या मोललता जो होती है ये किसी भी सब्सटेंस के उस नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करती है जो एक के जी सोलवेंट में घुला होता है और ये हो गया हमारा मोलिटी का फॉर्मूला मोलिटी स्मॉल मोल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम इंटू वन थाउजेंड बच्चों आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को निकालने के लिए उस सॉल्यूट सब्सटेंस के वेट को आपको डिवाइड करना होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से क्लियर है आपको और यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्वेंट आप ग्राम में लिया हुआ है उसको आपको कन्वर्ट करना है के में तो उसको डिवाइड करते हैं वन थाउजेंड से जो ऊपर चला जाता है इसलिए यहाँ पे वन थाउजेंड का मल्टीप्लाई किया हुआ है तो सोलवेंट का जो वेट है आप ग्राम में लेंगे तो यहां से आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करके मोलिटी या मोललता कैलकुलेट कर सकते हैं इसका यूनिट होता है मोल पर के नोट मॉडलिटी मॉल फ्रैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बच्चों एक कॉमन एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म होती है जिसपे टेम्परेचर चेंज का असर नहीं पड़ता है ध्यान रखिएगा बच्चों मॉडलिटी और मॉल फ्रैक्शन ये दो ऐसे मात्रक होते हैं दो ऐसी कंसेंट्रेशन टर्म होती है जिसपे टेम्परेचर चेंज का कोई असर नहीं पड़ता है िटी बच्चों हिंदी में इसको नॉर्मलता बोलते हैं और इसका जो सिंबल होता है प्रतीक होता है वो कैपिटल एन होता है इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इक्विल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन बच्चों नॉर्मलता से मतलब होता है नॉर्मलिटी से मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूट सब्सटेंस के वो ग्राम इक्विवेलेंट जो एक लीटर में घुले होते हैं वो कहलाती है उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता फॉर्मूला रहेगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ पदार्थ के वेट को जो यहाँ पे इसकी अमाउंट दी होगी ग्राम में उसको बोलते हैं मास या वेट ऑफ सॉल्यूट और उसको डिवाइड कर देते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट से तो यहां से इससे आपको मिल जाएगा उस सोल्यूट के ग्राम तुल्यांक या ग्राम इक्विट का नंबर और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आप सॉल्यूशन आपको लीटर में लेना है वॉल्यूम आपको वहां पे तो वहां पे पे में में मिलेगा सॉल्यूशन का तो उसको लीटर कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाता है तो यहां पे इसका यूनिट होगा बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ध्यान रखिएगा अब ये दोनों मैं आपको यूनिट एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूं तो जो हमने अभी मॉडलिटी और नॉर्मेलिटी डिस्कस किया है अब उसको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं क्योंकि जो न्यूमेरिकल आता है वो इसके ऊपर डायरेक्ट आता है वहां पे नॉर्मेलिटी या मॉडलिटी या वेट ऑफ सॉल्यूट वो निकलवाता है तो आइए पहले सीख लेते हैं फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट विल बी द मोडलिटी ऑफ द सोल्यूशन वेन टेन ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजोल्व इन फाइव हंड्रेड एमएल ऑफ वाटर तो यहाँ पे कह रहा है कि उस सोल्यूशन की मोडलिटी या मोललता क्या होगी जब आप दस ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को फाइव हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर में घोलते हैं सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका सोल्यूट है डब्लू सोल्यूट यानी सोल्यूट विलय पदार्थ की मात्रा 10 ग्राम दी हुई है यहाँ एम सोल्यूट एनयूएच बच्चों यहाँ पे सोल्यूट जो है एनयूएच है उसका मोलर मास 40 होता है आणविक द्रव्यमान 40 होता है वेट ऑफ सोलवेंट या मास ऑफ सोलवेंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पे फाइव हंड्रेड ध्यान से देखिए एमएल दिया हुआ है वेट नहीं है वॉल्यूम दिया हुआ है और आप जानते हैं मास इज इक्वल टू होता है V into D. तो यहां पे अगर वॉल्यूम में आप डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसी भी वॉल्यूम को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या ये क्लियर है आपको तो यहां पे वाटर की डेंसिटी बच्चों वन ग्राम पर एमएल होती है तो हमने यहां पे वन का मल्टीप्लाई कर दिया है वॉल्यूम में 500 हंड्रेड एमएल में जिससे ये बदल जाएगा ग्राम में तो क्लियर है आप ऐसे किसी भी लिक्विड को आप वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं डेंसिटी का मल्टीप्लाई करके कर तो हमने यहां पे वेट सोलवेंट निकाल लिया है 500 ग्राम क्लियर हुआ आपको तो बच्चों आपको यहां पे स्मॉल एम सोल्यूशन निकालना है मोलिटी निकालना है मोललता निकालना, निकालना है इस एनएच सॉल्यूशन की फॉर्मूला आप जानते हैं मोलिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू सोल्यूट डिवाइड बाय एम सोल्यूट इंटू वन थाउजेंड डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम अब ऊपर जो वैल्यू आपने गिवन में निकाली थी रखी थी निकाल के उनको यहाँ पे यूज करने का टाइम आ गया है आपने पाया था कि वहां पे एनयूएच का जो वेट दिया था सोल्यूट का वो टेन ग्राम दिया था जी और वहां पे मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो होता है वो फोर्टी होता है आप जानते हैं और यहाँ पे जो सोलवेंट का वेट दिया था वो फाइव हंड्रेड एम एल दिया था जिसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो 500 ग्राम आया था बच्चों अब यहां पे ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिल गया है 0.5 चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन एक बार जरूर तो यहां पे इस 10 ग्राम NaOH को 500 ml वाटर में डिसॉल्व करने से जो सॉल्यूशन मिलेगा उसकी मोलरलिटी या मोललता 0.5 होगी और यूनिट होगी बच्चों मोल पर केजी क्लियर है कि नहीं है सबको क्लियर हुआ तो चा... लिए। अब आगे बढ़ते हैं नॉर्मलता के लिए सेकंड है बच्चों कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन फोर ग्राम ऑफ इट डिजॉल्व इन 250 फिफ्टी ऑफ सॉल्यूशन जो बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट या विलय पदार्थ के चार ग्राम जो हैं वो ml, 250 ml है वो ढाई सौ एमएल टू एमएल सोल्यूशन में डिजोल्व है घुले हुए हैं तो ऐसे सोल्यूशन की नॉर्मलिटी या नॉर्मलता क्या होगी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी आइए देखते हैं जो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमको दिया क्या है तो आप देखिए जी यहाँ पे एनयूएच सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका विलय पदार्थ है सोल्यूट है उसके फोर ग्राम गिवन है आप जानते हैं कि एनयूएच का जो मोलर मास होता है आणविक द्रव्यमान होता है वो चालीस होता है जी बिल्कुल क्लियर है आपको और यहाँ पे जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो है टू फिफ्टी तो आइए देखते हैं नॉर्मेलिटी क्या होगी तो ये हमारा फॉर्मूला होता है हमने ऊपर देखा था नॉर्मेलिटी टू वेट ऑफ की जगह डिवाइड कर दिया थाउजेंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल क्लियर हुआ आपको अब यहाँ पे बच्चों एनयच का वेट जो है 4 ग्राम दिया हुआ है और दूसरा यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको तुल्या की बाढ़ निकालना है तो इक्वी वेलेंट वेट निकालने के लिए जिस पदार्थ का भी निकालना है जिस सोल्यूट का निकालना है उसके मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो आप किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं तो आप जानते हैं एनयूएच का जो मोलर मास आणविक द्रव्यमान होता है वो चालीस होता है और एनयूएच का जो एन फैक्टर होता है वो वन होता है जी क्लियर हुआ तो ये वैल्यू पुट करेंगे और यहां पे हमने वी सोल्यूशन का वैल्यू टू ऑलरेडी रख दिया है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फोर बाय फोर्टी बाय वन क्लियर हुआ बच्चों मोलर मास ऑफ एन्यूएस जो है वो फोर्टी है और एन फैक्टर आपको वन बताया था वन थाउजेंड डिवाइड बाई टू फिफ्टी सोल्व करेंगे तो ये चला जाएगा लगभग जीरो पॉइंट फोर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर बच्चों ये यूनिट होती है और यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी है वो आई है जीरो पॉइंट फोर कैल्कुलेट करेंगे शायद यही आएगा एक बार कैलकुलेशन चेक जरूर कर लीजिएगा बच्चों आज हमने जाना मोलिटी या मोललता नॉर्मेलिटी नॉर्मलता क्या होती है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा